बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें और अल्लाह मियाँ आपको आबाद रखे। और यही नहीं, इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम को भी देखते रहें और उसको लाइक भी करते रहें। आज का जो हमारा मेन्यू है वो बहुत ही डिफरेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हमारा वीकेंड का आगाज़ हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है, तो ब्रेक के बाद हमको सामिया खान भी ज्वाइन करेगी और आपको बताएंगी कि हमारा ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। यही नहीं, साथ साथ आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी आपको बताएंगे, शेयर करूँगी आपके साथ। आज का जो हमारा मेन्यू है वो है मुगलाई चिकन हांडी और साथ में है चीज़ सैंडविचेस। चीज़ सैंडविचेस इसलिए क्योंकि उसकी भी थोड़ी सी वेरिएशन बताएंगे, इसको किस किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे क्रीम चाट। वैसे तो हम चाट की कई वेरिएशंस बना चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रीमी चाट, ये भी बहुत ट्रेडिशनल चाट है जिसमें बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स जो कि हमेशा ही रहते हैं ऑल सीजन, वो हम आपको बताएंगे कि इसको अपने कैसे आपने बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुगलाई चिकन हांडी। मुगलाई जब कुजीन व्यूअर्स आता है तो आपको फिर से बता दें कि इसका जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा वो नट्स बेस होता है। जितने भी मुगलाई हमारी डिशेज़ होती हैं वो किस तरह से है कि उसमें आपको मालूम है कि उसमें वॉलनट्स ऐड होते हैं, जैसे कि वॉलनट्स आपको मैं दिखा देती हूँ, एलमंड्स एंड साथ में कैश्यू नट पेस्ट। जो मुगलाई चिकन हांडी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो नट्स बेस होंगे, क्योंकि इसमें आप जब फ्लेवर देंगे नट्स का, आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे फॉर द गार्निश, और साथ में आप इसकी पेस्ट बनाएंगे क्रीम एंड जोगर्ट के साथ, जो कि एलमंड एंड कैश्यू नट की पेस्ट होगी कुछ इस तरह से, आपको मैं दिखा देती हूँ, जिसमें एलमंड्स आपने बनाई हुई इसकी पेस्ट और साथ में आपने इसको कैश्यू नट्स को जस्ट आपने मिल्क में ब्लेंड करना है और आपने इसको योगर्ट और क्रीम में मिक्स कर देना है। इसके अलावा आपको चिकन चाहिए होगा बोनलेस चिकन, जैसे कि मैं हमेशा ऐड करती हूँ, थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो आप इसमें बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ को आप लोग गिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि चिकन में थोड़ा जल्दी जैसे बनता है, तो आपको इसमें कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बारबेक्यू की डिशेज बना रहे हैं तो उसमें आप बेशक लगा दें, क्योंकि उसमें आप इसको ग्रिल करना होता है। इसके अलावा इसमें अगर आप चाहते हैं मटन में, तो मटन में भी यही रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा ग्रेवी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बनाएं और फिर आप इसकी नट्स के साथ गार्निश करें, तो बेहतरीन आपकी मुगलाई हांडी बनेगी। हम इसको चिकन में बना रहे थे, इसका नाम है मुगलाई चिकन हांडी। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं सबसे पहले ऑयल। अच्छा जी, इसके लिए आपको अनियन चाहिए होंगे, यानी ये चॉप किए प्याज, ये आपको दिखा देते हैं, प्याज हैं इसमें हमारे पास, अनियन, साथ में ग्रीन चिलीज आपको चाहिए होंगी, टमाटोज चाहिए होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें चाहिए होंगे वाइट क्यूमन, यानी कि पिसा हुआ ज़ीरा, और इससे के उसके अलावा, वैसे तो ज़ीरे की 2 किस्म की ऑप्शन होती हैं, आप इसमें जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप फ्रेशली ये ज़ीरा है सीड्स में, और ये इसको आपने पाउडर फॉर्म में बना लिए, तो इसमें हम पाउडर फॉर्म में ज़ीरा यूज़ करेंगे, और साथ में गार्निश के लिए हम इसको करेंगे थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल ज़ीरे को भी। इसमें हम ऐड करेंगे अनियन। इसके साथ साथ जो हमारी हमेशा अनियन के बाद जो हमारी सेकेंड जो जाता है इंग्रेडिएंट, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। देखिए, जो बिल्कुल न्यूली इसको सीख रहे हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि आप अपने डिस्प्ले में, जैसे मैंने डिस्प्ले सजाया हुआ है, आप ही अपनी चीज़ों को पहले रेडी करें, ताकि आपको ईजी रहे क्विकली कि आप इसको कैसे बनाना है। आप चॉप किया प्याज रखें, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट रखें। इसके अलावा आप में क्या करना है कि आप में इसमें टमाटो प्यूरी बना के रखें, साथ में ग्रीन चिलीज काट के रखें, चिकन आपके पास, आप उसको फटाफट बनाएं, ट्राई करें। मैंने आपको वो रेसिपी भी सिखाई थी जो बहुत ही क्विक रेसिपी थी, जिसमें आपने चिकन को योगर्ट के अंदर ही सब आपने मैरिनेट करके रख देना है, जस्ट आपने ऑयल में इसको सौते करके आपने इसको पका लेना है। तो ये हमारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सी रेसिपीज़ हैं, तो ये मैं आपकी सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी कि थोड़ा सा आपको पता चल जाए, थोड़ा सा जिनको बिल्कुल नहीं कुकिंग आती उनके लिए थोड़ा सा ये है कि वो उसको सीख लें। यही नहीं, साथ साथ आपका मैं फीडबैक आपकी पढ़ी थी मैंने सारी, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी भी रेसिपीज़ जो कि हमने लास्ट वीक बनाई उसको बहुत लाइक किया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मगर आपने इसी तरह इसको लाइक करते रहना है और आपने बताते रहना है कि आपने मज़ीद और क्या सीखना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को और फिर इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, इसमें मैं चिकन को इसके साथ ही अगर आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ये मुगलाई चिकन हांडी बना रहे हैं, तो उसमें हमें इसको थोड़ा सा फ्लेवर देना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे क्यूमन पाउडर। ये सिर्फ और सिर्फ इसमें इसका थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, जो आप प्याज को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को आप इसको सौते करेंगे। अगर आप इसको फ्रेशली भी ऐड करेंगे, जैसे कि ये वाला सीड्स है इसमें, तो अभी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपको पता है कि जब तड़के वाले चावल बनाते हैं, जीरे वाले चावल बनाते हैं, तो उसमें भी हम इस तरह इसको बनाते हैं। उसमें हम जीरे को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं और फिर उसमें हम राइस को बनाते हैं, तो बहुत अच्छा राइस में फ्लेवर आ जाता है। तो अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जिन लोगों को पता है कि राइस अगर आपको लेफ़्ट ओवर पड़े हुए, यानी कि एक या दो दिन के पुराने पड़े हुए, उनको दोबारा से रीयूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप इसी ग्रेवी को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बनाई है, आप इसमें राइस को दोबारा से दम पे रख दें, तो आपके बेहतरीन ज़ीरा एंड जिंजर गार्लिक वाले राइस रेडी हो सकते हैं। और उसमें अगर आप बटर को ऐड करें, ये बड़ी हमारी क्विक सी रेसिपी है। और यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स, मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ी सी आपको वो इंग्रेडिएंट्स बताऊँ जो थोड़े से छुपे हुए होते हैं, जिनको ऐड करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें हमने ऐड किया ज़ीरा पाउडर और साथ में ज़ीरे के सीड्स। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। हमने चिकन भी ऐड कर दिया। ये देखिए, अब इसको हम चिकन को करेंगे हल्का सा सौते करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। और साथ इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। आप इसमें वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें क्रश चिली के साथ रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको साथ साथ बताती हूँ कि चिलीज़ के बारे में, कुछ लोगों को ब्लैक पेपर में बहुत अच्छा लगता है, वो उसकी थोड़ी सी चाहते हैं मिकदार ज़्यादा हो, कुछ लोगों को वाइट पेपर अच्छा लगता है, कुछ को क्रश चिली। लेकिन जब भी आप इसको बनाएं मुगलाई कुजीन को, तो उसमें बेसिकली ज़्यादातर वाइट पेपर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप इसमें चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसमें चूँकि क्रीम भी जाएगी, साथ में योगर्ट भी जाएगा, तो इस वजह से बड़ा इसका थिक किस्म का और बहुत रिच किस्म का इसका अरोमा होगा। यही नहीं, साथ साथ आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि जब आप इस पे ड्राई नट्स ऐड करेंगे, आप उसको चॉप कर लें और हल्का सा ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करके उसको हल्का सा आप थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, और फिर आप उसकी गार्निश करेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट ही डाल देंगे, तो उसमें फिर वो जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा, और सिर्फ नट्स का ही फ्लेवर आएगा, जैसे कि आप सिंपल नट्स आप खाते हैं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ थोड़ा सा क्यूमन पाउडर उसमें ऐड करके आप उसको थोड़ा सा फ्लेवर देंगे, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसको हम साथ साथ करते हैं ब्राउन, और साथ साथ इसमें जो आपने चीज़ें बाकी की और ऐड करनी है, उसमें ऐड करेंगे हम कोरिएंडर पाउडर। पहले हमने डाला था क्यूमन पाउडर, अब हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनली उसका आंसर दे दूँ, कि अगर आप, जैसे कि मैंने इसमें आपको चिलीज़ के बारे में बताया, वाइट चिली यानी कि वाइट पेपर, काली मिर्चों के बारे में, तो क्या ये कंपलसरी है कि हम इन चीज़ों को ही ऐड करें इसमें? खाली रेड चिलीज़ में ही नहीं क्या ये पक सकता? बिल्कुल पक सकता है। मैं इसलिए आपको वेरिएशन के साथ बताती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ओवरसीज़ हैं, वो रेड चिलीज़ को नहीं लाइक करते, या वो रेड चिली को अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप चिलीज़ के मामले में आप दो तीन किस्म की जो हमारी चिलीज़ हैं, रेड है, वाइट है, ब्लैक है, आप इनमें अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। और जो ब्लैक पेपर है, वो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उसको दही में मिक्स करके तो आप इसमें ऐड करें, ताकि जो आपकी कलर है, आपकी जो रेसिपी आप बना रहे हैं, जो चिकन, वो उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कलर में ना हो, वो थोड़ा सा उसका कलर रेडिश ही हो, तो ये थोड़ा सा इसमें है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर चिकन को हम हल्का सा साथ साथ फ्राई कर रहे हैं बहुत लेस ऑयल में, और यहाँ पर चूँकि एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, साथ साथ इसको हम भूनूंगी ब्रेक में, लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी लेते हैं ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मुगलाई चिकन हांडी, और इसके साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे भी मिलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज माशाल्लाह आप तो ज़बरदस्त, हमेशा की तरह बागो बहार जैसी लग रही हैं। यार कोशिश करते हैं। अब देखो ना, लोग ऐसे ही कहते हैं कि आप जो जो बड़ी उम्र की होते जाए मैच्योर रंग पहने। क्यों पहने? भी हम मैच्योर नहीं पहने हमने, है ना? नहीं पहने हमने। ये तो हम क्यों आज हमारा रेजोल्यूशन होगा। सही बात है सामिया जी। आज आपको पता है बड़ी जबरदस्त डिशेस बन रही हैं हमारी। अच्छा? जी आज हम बना रहे हैं मुगलाई चिकन हांडी। मैं हमेशा इसलिए मुगलाई के ऊपर जोर डालती हूँ कि हमारे यहाँ मुगलाई कुजीन कहते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसको बनाने की क्या हाँ जी बहुत उसको बनाने की मैं टेक्निक्स बता रही हूँ। बेसिकली ये नट्स बेस होता है, जिन लोगों को नट्स बहुत पसंद है तो वो इसको इस्तेमाल करें, काजू बादाम वॉलनट्स इसकी पेस्ट बना के इसमें इसको फ्लेवर दें, बहुत अच्छा है। साथ में हम बना रहे हैं चीज़ सैंडविचेस, और साथ में हम बनाएंगे फ्रूट क्रीम चाट। बहुत मज़े, फ्रूट क्रीम बड़ी रिच डिश है ना। बहुत अच्छी। मैंने कहा कि ये बहुत हमारी ट्रेडिशनल है, ये वो उन चार फलों की बनाऊँगी जो पूरा सीजन रहते हैं। अच्छा हाँ, बहुत इजी है कि आप इसको बनाए। और ये चारों में अनार आप ये हाँ चारों मौसमों में पाया जाता है? अनार तो पाया जाता है लेकिन उसके कलर्स का डिफरेंट होता है। ये कंधारी अनार का मौसम स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ, तो इसको रेड कहा जाता है, वरना तो वाइट हमारे यहाँ मिलता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा और हो जाता है। लेकिन ये जैसे केले हो गए, अंगूर हो गए, वैसे मैं अनार को एज ए गार्निश के तौर पर यूज़ करती हूँ, लेकिन ग्रेप्स सेब साथ में क्या कहते हैं बनानाज इसको हम यूज़ करेंगे, साथ में रेजन इसमें ऐड करेंगे, और इसमें आप चाहें तो आप इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप उस अनार नहीं है, क्योंकि हमें रेड कलर की बेसिकली गार्निश करनी है। गार्निश तो आप उसको अल्टरनेट आप इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं। वही देखो ना, अब आप भी अपनी डिश के अंदर रंग डाल रही हो। बिल्कुल। तो मैं क्यों ना रंग डाल के आऊं? बिल्कुल, देखो ना मैंने अच्छी लग रही है मैं तो इसलिए तो कहे आपकी तो माशाल्लाह ड्रेसिंग की हमारे व्यूअर्स काफ़ी पसंद करते हैं और ऑन एयर बताते भी रहते हैं, उसमें तो खैर कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल कि आज वो इंतजार कर रहे होंगे बहुत शिद्दत से कि हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलें जी, मैं शुरू करती हूँ। जी बिल्कुल। और हर चार स्टार्स के बाद मुनीरा का वादा है कि मुझे पानी की ब्रेक देती है ये। जी मुनीरा जी, बिस्मिल्लाह करूँ मैं? जी बिल्कुल। एरीज बुर्ज हमल, यकम तारीख से लेके 5 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह जी महीने की बिस्मिल्लाह अच्छी होगी, अल्लाह के हुक्म से मूड भी अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम गुजरेगा। सिर्फ 6 और 7 की 2 तारीखें, या तो उसमें नींद पूरी करें या कोई ना कोई तबीयत से रिलेटेड कोई चीज़ लथार्जिक कर सकती है, या ऐसे काम का दबाव जिस्मानी मुशक्क़त या कुछ चीज़ें इरिटेट सी कर सकती हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो आपने यही सोचना है कि वो सिर्फ 2 दिन है, वो 6 और 7 का दिन है, और 8वाली तारीख भी तंग कर सकती है, लेकिन इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है आपने। बाकी इस वक्त में जीवन साथी, कारोबारी लोग, आसपास के लोग माशाल्लाह आपके साथ तावुन करते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त थोड़ा सा आपने अखराजात जो है ना उनको ज़रा सी स्ट्रेटजी के साथ करना है, क्योंकि आम खाई चीज़ों पर स्पेंड करने को दिल चाहेगा। कोशिश करें इस वक्त अपने आप को ज़रा सा हाथ रोकने की कोशिश करें, ताकि बाद में आपको फिर बजट बनाने में फिर आपको तकलीफ ना हो। बाकी जो सियासतदान हैं या जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए टाइम बहुत बेहतर है, और वार्निंग अभी भी उसी हाउस में चल रही है। दोस्तियां हों, औलाद से रिलेटेड मसाइल हों, ना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत रखें, और ना ही इन बच्चों के मामलात में गफलत बरतें। तो ये यहाँ पर अभी भी वार्निंग हमारे साथ ऑन है। बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर, आपका भी माशाल्लाह जी यकम तारीख से लेके 7 तारीख तक पूरा हफ्ता ही टॉरियंस आपका सेफ चल रहा है, क्योंकि इसमें अंदरूनी मुल्क अगर कहीं ट्रैवल भी करना पड़ता है रिश्तेदारियों की गर्ज से, रिश्तेदार जो मसाइल आपको पीछे परेशान कर रहे थे अब वो रिजॉल्व हो सकते हैं, तो 7 अक्टूबर तक आपकी तो बिस्मिल्लाह ही पूरे हफ्ते की अल्लाह के फजल से अच्छी है। जॉब में घरेलू मुलाजमीन, आपके कोवर्कर्स आपके साथ तावुन करते हुए नज़र आते हैं, सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इम्प्रूव आपकी होगी। इसी तरह अपने जीवन साथी या कारोबार से वाबस्ता लोग जो है वहाँ पर थोड़े बहुत मसाइल आ सकते हैं, लेकिन ऐसे मसाइल नहीं कि जो आप रिजॉल्व ना कर सकें, तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली सिचुएशन वहाँ पे भी नहीं है। कोई बैरून मुल्क सफ़र की इंडिकेशन या वीज़ा रिलेटेड मसाइल भी हल हो सकते हैं,
लेकिन आपको अभी भी सितारा वार्निंग ये देता है कि कोई भी कारोबार बगैर सोच समझ के या जल्दबाजी में अभी भी नहीं। सिर्फ अब एक महीना रह गया है इस वार्निंग के ख़त्म होने में, तो मैं आपको, क्योंकि बार बार मैं एक ही तरह चीज़ बोल रही होती हूँ, लोग समझते हैं पुरानी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन सितारे ने यहाँ से एग्ज़िट करने में ऑलमोस्ट एक महीना बस रह गया, तो इतनी सी एहतियात बस और है। उसके बाद आ गया जी जौजा यानी बुध जेमिनी, आपका भी ये हफ्ते की बिगनिंग यकम से 7 तारीख तक सारी डेट सेफ हैं। 2 और 3 की तारीखों में कोई माली फ़ायदा भी एक्सपेक्टेड है। बच्चों की साइड से, रोमांस की साइड से भी सितारा आपके हंसते मंशा रिजल्ट देगा, मतलब ये कि आपको मायूसी नहीं होगी। इसी तरह जॉब में जो कुछ मसाइल रेज हो रहे हैं वो भी ऐसे लगता है कि आप इतने कैपेबल हैं, क्योंकि 6 तारीख से एक सितारा वहाँ पे रेट्रोगेशन में गया है लेकिन बुरी हालत में नहीं है। तो जो मसाइल अगर होने भी जा रहे हैं तो वो आप इतने कैपेबल हैं कि आप उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे, और ये अभी 6 तारीख से होगा, तो अभी 6 तक तो आप वैसे ही सेफ हैं। उसके अलावा सेलिंग बाइंग जो वरासती इनहेरिटेड इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, इस वक्त की सादत से फ़ायदा उठाइए। और सिर्फ वही है कि जो कानूनी मामलात में वाबस्ता लोग हैं या जो बच्चे स्टडीज़ में हैं या जो बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी अभी भी सितारे का गो हेड नहीं है। उसके बाद जी सितारा है कैंसेरियन यानी बुध सरतान। यकम का दिन, आज का दिन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन 2 तारीख से शुरू होने वाला हफ्ता फिर अच्छी खबरों के साथ आता है। 4 और 5 की तारीख में कोई माली फ़ायदा भी आपको मिलता है। 6 और 7 की तारीख में अगर कहीं छोटा मोटा आप ट्रैवल करते हो विद इन दी कंट्री तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। घर के लोग जो हैं वो भी आपकी बैकबोन रहेंगे। बच्चे, रोमांस, जीवन साथी सबकी भरपूर इस वक्त भी सपोर्ट नज़र आती है। सिर्फ आपको फजूल खर्ची से इज्तनाब करना है, वो बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट होते हुए ज़रा सा सोचना है, ताकि मैं कल को जो है, क्योंकि ये भी वही बात आती है कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 23 अक्टूबर के बाद सितारे की पोजीशन जैसे ही बदलेगी उसके साथ ही आपके माली हालात में अच्छी पेशरफ शुरू हो जाएगी। मुनीरा, मैं पानी पी लूँ ना? जी बिल्कुल, आप पानी रेसिपी शेयर कर दें। जी बिल्कुल, आप पानी पिए। और मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि हमारी मुगलाई चिकन हांडी है वो अपनी प्रोसेस में अभी बन रही है, इसको भी थोड़ा सा अभी टाइम है तो इसको भी हम बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी थी, जो कि थी हमारी चिकन चीज़ सैंडविचेस की, जिसमें मैंने बेसिकली मायो लिया है, साथ में चिकन के चंक्स लिए हैं बॉईल करके। चिकन आपको मैं दिखा दे रही हूँ, सिंपल चिकन है, आपने सिर्फ इसको बॉईल करना है और नमक और काली मिर्च के बाद आप इसको फ्लेवर देंगे। इसके अलावा आप इसमें ऐड करेंगे ब्रेड आपको चाहिए होगी, आपको इसमें स्प्रिंग अनियन चाहिए होंगे इसमें ऐड करने के लिए, स्मॉल इसको चॉप की आप इसमें कैरेट ऐड करें और आपने इसको मिक्स करके आप इसको लगाएं। वैसे तो ये इट्सेल्फ ही काफ़ी अच्छे मज़ेदार बनेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चाहेंगे चीज़ के साथ, क्योंकि हम हमेशा चीज़ को ऐड करते हैं जब अपने हॉट सैंडविचेस के साथ, लेकिन यहाँ पे हम क्रीम चीज़ सैंडविच जो हमारे जो बन रहे हैं चीज़ के साथ, इसको हम बना रहे हैं कोल्ड के साथ। तो जब तक ये हमारा बन रहा है मुगलाई चिकन हांडी, आप तब तक व्यूअर्स देख लें इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे आपने जैसे का बताया मुगलाई चिकन हांडी बन रही है और चीज़ सैंडविचेस अभी हमारे यहाँ पे अभी रेडी हो रहे हैं। इसको मैं अभी लगा रही हूँ स्लाइस के ऊपर, तो इसका प्रोसेस अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चीज़ सैंडविचेस और साथ में बन रहा है मुगलाई चिकन हांडी। इसको मैं रेडी कर ली है सैंडविचेस को, ये बहुत क्विक हमारे सैंडविच रेडी हो जाते हैं। और इसके साथ जो मैंने गार्निश रेडी की है वो मैंने की है कैरेट्स एंड चुकंदर की, यानी कि बीट रूट की। बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, आप भी इसको इस तरीके से डिस्प्ले में लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका आएगा। इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी, अब मैं चाहूँगी उसकी भी आपको बता दूँ। हम वो जो बना रहे हैं क्रीम चाट, उसमें आपको चाहिए होंगे वॉलनट्स, एप्पल, साथ में आप इसमें ऐड करेंगे रेजन्स। आप इसमें सैलड ड्रेसिंग एक बनाएंगे जिसमें आप ऐड करेंगे मायोनीज, क्रीम और साथ में क्रीम चीज़ से आप इसको आइसिंग शुगर से मिक्स करें, इसकी ड्रेसिंग बनेगी और वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप इसको एज इट इज़ रख लें। जो लोग डाइट पे हैं वो विदाउट ड्रेसिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम अनार यूज़ करेंगे, केले यूज़ करेंगे और साथ में इसमें यूज़ करेंगे एप्पल्स। तो ये बहुत सीजनल फ्रूट्स हैं जो कि ईजिली आपको मिल जाते हैं। आप जिसको बनाएं, आप इसको एज ए सैलड यूज़ करें, आप इसको एज ए डिज़र्ट यूज़ करें, तो ये एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन है इसको बनाने में। यहाँ पे हमने जो हमारे सैंडविचेस थे इसको भी हमने रेडी कर लिए, हम इसको भी रख देते हैं। और जी साम्या जी, आप ये हफ्ते जो है बरहला, अब आप उसको कैरी ऑन कर ले, तब तक मैं अपनी थर्ड रेसिपी उसको स्टार्ट करती हूँ। ठीक, ओके। अच्छा जी, लियो यानी बुर्ज असर, इस हफ्ते का आगाज़ लियो थोड़ा सा स्लो है। एक यकम तारीख से लेके 3 अक्टूबर तक थोड़ा सा आगाज़ स्लो ज़रूर होता है, लेकिन 4 के बाद से फिर सितारे आपकी मवाफिकत में या फेवर में आ जाते हैं। 6 और 7 की तारीखों में इंशाल्लाह कहीं से पैसों की भी न्यूज़ बनती है। मिजाज में थोड़ी सी तुंदी, तेज़ी, तलखी रहने का इम्कान है, उसको आपने टैकल करना है अपनी पॉजिटिविटी के साथ, ताकि आपके रवैये से किसी को नुकसान ना पहुँचे या लोगों के रवैयों से आप अपने मिजाज को या अपने कहते हैं ना जिस्मानी और ज़हनी सेहत को मुतासर ना होने दें। तो ये बाप के ऊपर है कि कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। बाकी रिश्ते आपकी सपोर्ट में नज़र आते हैं, आपके सिबलिंग्स हों, आपके ख़ानदान के लोग हों, आपके घर के लोग हों। अल्लाह का फजल है कि थोड़े बहुत घर का क्राइसिस अगर आता भी है तो वो भी इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। सेहत और मुलाजमत में भी हालात आपके बेहतर रहेंगे। उसके बाद आ गया जी वर्गो सुंबला। वर्गोस आज का दिन तो फेवर में जा रहा है वर्गोस, लेकिन 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक खामखा की एंग्जाइटी, किसी पे गुस्सा, किसी की वजह से या मायूसी, ये 4 तारीखें ऐसी हैं जो ज़रा समझदारी और समझदारी वर्गोस में बहुत पाई जाती है। विजडम तो इनमें कूट कूट के भरा होता है, ये प्रैक्टिकल भी होते हैं, वाइज भी होते हैं, स्पेशली दूरंदेशी इन पे ख़त्म है। तो वर्गोस अपनी दूरंदेशी से काम लेना है, क्योंकि 6 तारीख से ये जो भी 4 दिनों की कोफ्त होगी वो वहाँ से सेटल हो जाएगी और आप इंशाल्लाह बेहतर मूड में आ जाएंगे, माली फ़ायदे भी हासिल होंगे, कुछ काफ़ी हद तक आप अपने आप को सिक्योर भी फील करोगे। इसी तरह रिश्ते ससुराली हैं या ख़ानदानी हैं, इस वक्त माशाल्लाह आपकी फेवर में चीज़ें रहेंगी। लव लाइफ या बच्चों की साइड से भी सितारा जो है वो सुकून की खबर देता है, लेकिन ज़हनी दबाव या जो है जिस्मानी सेहत, इन दो को तो आपने अपनी खुशगुमानी से ठीक करना है। उसके बाद आ गया जी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। यकम से लेके 3 अक्टूबर तक तो सितारे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें स्मूथ होंगी, आपको भी चीज़ें टैकल करने में आसानी होगी, लेकिन 4, 5, 6 और 7 की तारीख ऐसे से नशेबो फराज परेशान करेंगे, थोड़ा सा मूड स्विंग अपसेट कर सकता है। हालांकि इस वक्त में 2 सितारे इतने अच्छे हैं कि लोगों की जो हेल्प है वो आपके साथ नज़र आती है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे ग्रोथ उसकी नज़र आ रही है कि पहले से अब आप बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जो माली तौर पे भी अब अपना आपके अंदर ज़रा सी इनसिक्योरिटी को पहले की नस्बत ख़त्म होना चाहिए, ख़ानदान के लोग भरपूर हिमायत में नज़र आते हैं, बच्चे और दोस्तियाँ, इन दो मामलों में ना तवक्कोआत ज़्यादा रखें दोस्तों से, ना बच्चों के मामलों में गफलत बरतें, किसी ना किसी का स्ट्रेस यहाँ पर भी आपको अपसेट रख सकता है। उसके बाद आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब। आज का दिन फेवर में है, अल्लाह करे कहीं से माली फ़ायदे की खबर आए आपको। फिर 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक भी अपने कामों को स्पीड अप कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है सितारे की रफ्तार तेज़ है और आपके रुके हुए काम जो है वो खुशगवार
कहते हैं ना इख्तिताम पज़ीर होने चाहिए, 6 और 7 का दिन कोशिश कीजिए कि ना किसी से तवक्को रखें, ना किसी के बारे में जजमेंटल हों, उसको नज़रअंदाज कर दें थोड़ा सा। इसी तरह सितारा इस वक्त जो है शादी के मामलात हों, कारोबारी शराकत दारी हो, सितारे फुल मुवाफिकत में हैं और अब आपको पहले की नस्बत अपने अंदर वो भी फील हो रहा होगा, जहनी तौर पे कहते हैं ना पुरअमन फील हो रहा होगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है, नई रिश्तेदारियां बनाने का भी बेहतर वक्त है। सिर्फ अगर कहीं पे सितारे की वार्निंग है तो कारोबारी मामलात में या ख़ानदानी जो ताल्लुकात हैं, इन दो इश्यूज़ पे अभी भी सितारे की वार्निंग चल रही है। जी मुनीरा भाई, बिल्कुल, अब आप क्या सिखाएंगी हमको? मैं चाहूँगी कि जो हमने बना लिए हैं चीज़ सैंडविचेस, सामे जी इसका पहले ही कार चला दें, फिर हम थर्ड अपनी रेसिपी की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने चीज़ सैंडविचेस बनाए, मैंने इसमें एक सैंडविच बनाया है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाला, ये सिंपल मैंने वो सैंडविच बनाया जिसमें सिर्फ वेजिटेबल्स हैं और इसमें आइसबर्ग आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाले हमारे पास पड़े थे चुकंदर और कैरेट, इसमें ये ऐड किए और साथ इसमें जो बॉयल चिकन एंड बॉयल एग का आप उसको हल्का सा मैश करके इसके ऊपर आपने ऐड करके, जो लोग डाइट पे हैं तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी और हेल्दी एक ऑप्शन है कि वो ये मत सोचें कि वो आज सैंडविचेस नहीं ट्राई कर सकते, तो आप इस सैंडविच को इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। जी तो अब हम अपनी करेंगे थर्ड रेसिपी स्टार्ट, जो कि हमारी है फ्रूटी किस्म की, मज़ेदार किस्म की, जिसको कहते हैं कि जिसमें तमाम आप इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे, लेकिन ये वो फ्रूट्स हैं जो आपको ईज़िली मिल जाएंगे, जिसके मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, जिसमें हम बनाना ऐड करेंगे, सेब, ग्रेप्स, अनार का अगर ऑल्टरनेट तो आप इसको रेड करके आप कैरेट लेके इसको चॉप करके इसकी गार्निश कर दें, इसमें क्रीम जाएगी, क्रीम चीज़ इसमें ऐड करें, जो ड्रेसिंग हम इसमें बनाएंगे साथ में आइसिंग शुगर, तो ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है क्रीम चाट। जी सामा जी, आपको तो पसंद होगी ये जो फ्रूट चाट है। ऐसे न किसको, किस काफिर को बुरी लग सकती है। अच्छा आपको पता है कि हमारे यहाँ फैसलाबाद में इसको पता है कैसे खाया जाता है? कस्टर्ड लेके ना, कस्टर्ड में इस तमाम फ्रूट्स को ऐड करते हैं विद क्रीम, तो ये उसको इस तरीके से खाते हैं क्रीम चाट। मैंने जब ट्राई किया मैंने कहा तो कस्टर्ड का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन सबकी अपनी भी वेरिएशन होती है। आपने लेकिन वो रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई किया, फैमिली हाउस? नहीं नहीं, वैसे ही मतलब आउटसाइड, मतलब जैसे अच्छा। आपके आ जाते हैं रास्ते में कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं और अच्छा। फैसलाबाद में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, एक बिरयानी सॉरी पुलाव और ये वाली जो इसका डिज़र्ट है बहुत ही फेमस है, और लेकिन हमारे यहाँ लाहौर में जैसे अनारकली की फ्रूट चाट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसी तरह यहाँ पे हम क्रीम चाट, इसको आजकल ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेडिशन बन चुका हुआ है, तो आज हम इसको बनाना ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबवेज के अलावा जैसे कि शवरमा बहुत ज़्यादा यूथ में पसंद किया जाने लगा है, इसी तरह अब ये फ्रूट चाट से हट के क्रीम चाट की तरफ आ चुके हुए हैं, तो आज हम इसको बनाएंगे खाली 4 इन्ग्रीडियंट्स के साथ, जिनके पास सोच लें कि वो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, तो हम इसको बनाएंगे और इसको बिस्मिल्लाह। हाँ जी, इसको हम ट्राई करेंगे, गेम के ख़त्म होने के इंतज़ार में होंगे। नहीं नहीं, अभी है, अभी हमें थर्ड रेसिपी बनानी है। सारा मेरा ध्यान सितारों से हटा के ना खानों में ले जाने में माहिर है ये। इसका तो आपको पता है कि दोनों का बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। अच्छा यहाँ पे मैं इसकी जब तक व्यूअर्स बनाती हूँ ड्रेसिंग, सामने यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, ब्रेक भी तो लेनी है ना, आप ब्रेक में पानी पिए, मैं भी ब्रेक में पानी पीऊँगी, तो व्यूअर्स यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान।
जिसमें दो रेसिपीज तो हमारी रेडी हो चुकी है जो कि हैं चीज़ सैंडविचेस की और साथ में मुगलाई चिकन हांडी की। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी थी आप हमें सामा जी उसको ट्राई करना है जो कि है हमारी क्रीमी फ्रूट चाट, बहुत मज़े की है जिसमें हम केले डालेंगे। और वैसे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जो लोग डाइट पे हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो विदाउट ड्रेसिंग खाएं, हाँ। तो वो जस्ट इसमें ऑरेंज जूस ऐड करें, चाट मसाला ऐड करें और उसको आप क्रीम माइनस कर दें क्रीम की टोटल ड्रेसिंग माइनस कर दें, क्योंकि इसमें मायोनीज जाएगी, इसमें क्रीम जाएगी, इसमें आइसिंग शुगर जाएगी, आप इसको मत ऐड करें, इसमें मिल्क जाएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि एज इट इज़ खाना तो आप इसको खा सकते हैं, बिल्कुल ये भी। और ये नहीं ज़रूरी कि वैसे तो हम आमतौर पर एक केला एक सेब खा ही लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको हल्का सा काट के हल्की सी चीज़ों को स्प्रिंकल कर लें तो आपका प्रॉपर एक ये मील का एक हिस्सा बन जाता है, कि आप उसको अपने साथ पर्स में भी साथ रख सकते हैं, जहाँ भूख लगी आपने इसको खा लिया। तो ये आज की हमारी है, इसको हम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मैं बता रही थी आपको कि अनारकली की बड़ी मशहूर चाट है, आपको अभी भी वो स्टैंडर्ड है, बचपन में तो बहुत खाई है। वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि वो जो जगह है वो उससे कुछ आपकी मेमोरीज होती हैं, तो वो जाके थोड़ा सा याद आ जाए। अभी भी मेरे दिमाग में वो कुर्सियाँ लकड़ी की है, वो सारी वो खासतौर पर जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल, जिसमें कि ये जग में पूरा खट्टा होता है जब ऐसे डालते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। गलियाँ हैं, अब कितना अरसा पहले गए? मैं साल पहले गई थी, उसी तरह गलियाँ छोटी नैरो नैरो सी ऐसी, वो अब आज भी चूड़ी बाजार है, ऐसे ही सब चीज़ें हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जितने भी ओवरसीज आज भी लोग आते हैं, आप यकीन करें कि वो सब के सब शॉपिंग के लिए मेरा ख्याल वहीं पर जाते हैं। और वो कहते हैं कि वो जो चीज़ें लगी होती हैं खूबसूरत से काम वाले कपड़े, वो शादी ब्याह के जोड़े, चूड़ियाँ वगैरह, हर चीज़ ही हमारे यहाँ का तो बहुत ही जनाब, ये अनारकली हम लोग फेमस बाजार है। इस्लामाबाद में रहते थे तो बचपन में आना तो फेवरेट प्लेस होता था, ये पैसे इकट्ठे करके अनारकली जाना है। मेरी बारी आई कि नहीं? जी बिल्कुल आ गई। अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे नाजरीन सजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस से, और ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा उसी के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। आपका ये हफ्ता यकम का दिन अच्छा गुजरेगा, घर में इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, मूड अच्छा रहेगा। सेजिटेरियंस 2 और 3 को कोई बड़ा खर्चा करते हुए ज़रा सा सेकंड थॉट देना है, ताकि ये 9 के बाद में लगे कि मेरा फैसला गलत था। 4 से लेके 7 तारीख तक पे सितारा आपकी टोटल फेवर में आता है, तब शॉपिंग भी कीजिए, अपने करियर रिलेटेड कामों को भी डन कीजिए। सितारे की सपोर्ट अच्छी खबरों के साथ आपके साथ है, इस वक्त कोई ना कोई डिज़ायर भी पूरी होने की इंडिकेशन है, दोस्तों की साइड से भी कुछ प्लेयर इंडिकेट हो रहे हैं, ज़हनी तौर पे भी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपके अंदर की वो जो दिल दिमाग की जंग थी ना वो अब ख़त्म होके दोनों चीज़ें एक पेज पे आ चुकी होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे मुझे सितारे आपकी कहानी सुना रहे हैं। सेलिंग बाइंग का भी टाइम अच्छा है, रिश्तेदारियाँ, सिबलिंग्स, कानूनी मामलात और जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इन फ्रंट्स पे सितारे की पोजीशन कमज़ोर है, तो वो जो है अभी भी अपने आप को सितारों पे ना रहिएगा। कहते हैं ना कि मेहनत पे जोर देना है, नसीब के पे अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि नसीब वहाँ फेवर नहीं कर रहा। अगला सितारा आ गया कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। यकम का दिन थोड़ा सा लथार्जिक फील कर सकते हैं, थोड़ा सा सुस्त फील करेंगे, हो सकता है आपने सैटरडे संडे इतना चिल किया हो कि मंडे आपसे एक्टिव ना हुआ जा रहा हो, तो इतना सा ये स्लो है, या वर्क लोड आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 2 और 3 की तारीखें फिर मज़े की हैं, 4 और 5 की तारीख कोई इजाफी ख़र्चा डालती हुई नज़र आ रही है, 6 और 7 फिर पीसफुल सी डेट्स हैं। बाकी इस हफ्ते में सितारों की पोजिशन करियर में भी अच्छी जा रही है, दोस्तियाँ, रोमांस, हस्बे तवक्को, हस्बे मंशा, रिलेशनशिप भी इंशाल्लाह। हाँ, सिर्फ अगर सितारों की वार्निंग है तो वो खाना माल के अंदर, ना कर्जा दें ना कर्जा लें, दोनों चीज़ों से आपको परहेज़ करें, कह दें जी मोहब्बत की कैंची है उधार दोनों सूरतों में। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। यकम की तारीख हल्का फुल्का खुशगवार मूड रहना चाहिए, लव्ड वंस के साथ, अपने बच्चों के साथ पीसफुल टाइम की इंडिकेशन है। 2 और 3 की जो तारीखें हैं, अपने सेहत का खास ख्याल रखिएगा। एक्वेरियंस ऑलरेडी यहाँ पे इम्तिहान जो है वो मिजाज में सेंसिटिविटी का लेवल अभी तक हाई ही जा रहा है, या शरीकी हयात की टेंशन परेशान कर सकती है, जो कि 4 और 5 की तारीखों में शायद थोड़ा सा आपका कंट्रोल उस पर आपकी ग्रिप बढ़ जाए। 6 और 7 की जो तारीखें, इसमें आप पे भी कोई इजाफी अखराजात का बोझ आपको अपसेट कर सकता है,
आपका मुल्क से बाहर अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो टाइम इस वक्त बेस्ट है। अच्छी खबर भी आएगी, कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छी खबरें हैं, जो लोग शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, और सितारा जो है मेंटली भी पीसफुल है। तो वो जो पीछे एक टाइम था आपको हम डराते थे, उसमें अब थोड़ी सी मैं कहूँगी 70% वो गुजर चुका है, 30% इस महीने की 23 से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इतना सफ़र आपने काट लिया है, पूरा 2017 भी 18 भी, तो अब ये 23 अक्टूबर तक का जो है ना सफ़र यहाँ तक रह गया। आखिरी आसमानी सितारा पाइसिस यानी बुर्ज ऊत, एक तो खुफिया दुश्मन ना पा लिए इस वक्त में, कोशिश करें मसलहत वाला रवैया रखें, क्योंकि टेबल टॉक के ज़रिए अगर आप चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पाइसिस, तो मामले हल हो जाएंगे। इस वक्त ये वाले जो हफ्ते की जो पोजीशन है सितारों की, 1 से 3 तक बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा, घर में भी चार दीवारी में अमन सुकून रहेगा अल्लाह के हुक्म से। 4 और 5 की तारीख वार्निंग है सितारे की, अपना ख्याल रखना है अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ दोनों का, अपने अंडर काम करने वाले मुलाजमीन या अपने वर्किंग जहाँ पर आप जॉब करते हो उस एरिया में, ये 4 और 5 की तारीख इंडिकेट करती है कि कॉन्शियस रहिएगा। 6 और 7 की तारीख फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाती है, इस वक्त सितारे की सपोर्ट खाना माल में अच्छी जाएगी, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो अच्छी खबर आएगी, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सितारा उनको भी फेवर करेगा, सिर्फ जो है दोस्तियाँ भी आपके साथ इंशाल्लाह अच्छी जाएंगी, लेकिन आपने खुफिया दुश्मन आस्तीन में छुपे हुए सांप नहीं पालने, कोशिश करनी है कि उनसे बचें, अल्लाह ताला सबको बचाए। और बाकी मेरी जो पहली लाइन होनी चाहिए वो मैं आखिर में आज बोल रही हूँ कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाजे हैं, और इसमें गलती का इम्कान है क्योंकि ये इंसानी अंदाजे हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। कल इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब होंगे, कल आपकी कॉल्स होंगी और हमारा लैपटॉप होगा। अब मुनीरा को मैं हैंड ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उस बेचारी ने इतना कुछ बताना होता है, क्लोज भी करना होता है शो जी। यहाँ पे हमने जो थे हमारे क्रीम हमने रेडी कर लिए, तो मेरे ख्याल के सबसे पहले व्यूअर्स आप देखिए क्रीम चाट का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे बात हो रही थी सामिया जी आस्तीन के सांप की, ये कैसे पता चलता है? हाय वो सितारा इंडिकेट कर रहा है ना कि कोई दिल दुखा सकता है कि, और वो चीज़ आपके सामने भी आ जाएगी कि जो अच्छा, इस वक्त शो हो जाएगी, शो हो जाएगी वो जो है इसके लिए वैसे ना अगर आप कोशिश किया करें, बड़ी आसान सा है, 101 बारी रात को तुरंत कौसर पढ़ के सो जाए, और उसमें ये नियत रखें कि अल्लाह पाक तू बचा भी और तू अगर दिखा सकता है तो दिखा भी कि वो कौन लोग हैं, ख्वाब में इंडिकेट हो जाएगा, इंट्यूशन हो जाएगी या वो बंदा खुल के रिवील हो जाएगा। 101 टाइम सूरह कौसर, ये बहुत ही अच्छा है कि आपने मुझे तो खास तौर पे बता दिया कि मैं तो वो मुझे आपकी आंखों से नजर आया कि सवाल है कि आई ओपनिंग है कि इसको पता चलना चाहिए। व्यूअर्स आपने भी आज आपने सुने सारे हफ्ते का कैसा हाल, तो मेरा ख्याल है कि सबका माशाल्लाह से अच्छा ही होगा, और मुझे तो मिल भी गया टीज़र कि मैंने अब क्या करना है इसके साथ साथ, और ये नहीं साथ साथ वैसे कि हम अपने रेगुलर लाइफ पे भी इसको अगर अपनाएं तो ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए वेलनेस। आप अगर चाहते हैं ना आपकी चटीज बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका ख्वाबों का कनेक्शन बढ़े, आप इस चीज़ को अपना वतीरा बना ली कि आपने रात को सोते वक्त इशा के बाद 101 टाइम सूरह कौसर पढ़ ली। अगर आप इशा नहीं भी पढ़ सकें तो भी आप जो है 101 टाइम इसको पढ़ के सो सकें, ठीक हो गया जी। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम मेरा और सामिया जी का, जिसमें हमारी गपशप भी लगी, साथ साथ आपने जायके भी देखे और साथ साथ आपने अपने हफ्ते के बारे में भी जाना, सितारे भी देखे, कैसे सितारे आपके जायके भी देखे, सितारे भी देखे। तो यहाँ पे हमारे अब चूंकि आपसे इजाज़ लेने का टाइम भी आ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हम लोग हाज़िर होंगे, तब तक आप मुझे और सामिया हन को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।